मॉर्निंग प्राइम में अब खबर राजस्थान से है। यहाँ एक बार फिर साइकिल के रंग पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल भजनलाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्राओं को दी जाने वाली निःशुल्क साइकिलों के रंग को काले से फिर भगवा करने पर फैसला लिया, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। कांग्रेस ने भजनलाल सरकार पर भगवाकरण का आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री फ्री साइकिल योजना के तहत 9वीं क्लास की छात्राओं को फ्री में साइकिल बांटी जाती है, लेकिन इस बार छात्राओं को दी जाने वाली करीब 8 लाख साइकिल्स का रंग काले से फिर से भगवा करने का फैसला लिया गया है, जिस पर करोड़ों का खर्च भी आने वाला है और उसको लेकर अब कांग्रेस ने एतराज जताया है। पहले भी केसरिया रंगता साइकिल का फिर कांग्रेस ने बदल करके काला कर दिया था। वापस केसरिया रंग जो शौर्य वीरता का परिचायक है, हमारे देशभक्त, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यही बाना पहन करके क्रांतिकारी क्या करते थे। हमारे जो अग्नि देवता है और जब अग्नि प्रज्वलित होती तो उसी रंग में होती है, और जो सूर्य भगवान पूरे विश्व को जो प्रकाश देते हैं। साइकिलें हमने चालू की, हमने कलर नहीं बदला। केसरिया जो साइकिलें थी हमने उनका कलर नहीं बदला। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद भी सरकार में मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर था। हमने वो साइकिलें जो केसरिया साइकिलें आई हुई थी वो बांटी। उसके बाद जो साइकिलें कंपनी से आती वो बनती ब्लैक हैं, तो हमने ब्लैक बांट दी। तो आप तो ब्लैक को केसरिया करोगे, तो आप जो ब्लैक पड़ी है उनको तो बांट दो, उनमें क्यों पैसे बर्बाद करो, उनमें नई साइकिलें और ले लो, स्कूटी ले लो बच्चियों को देने के लिए। हमने तो केसरिया, हमें केसरिया से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हमें केसरिया कोई देगा तो हम केसरिया बांट देंगे।